बिलासपुर जिला के बामटा पंचायत स्थित अपर निहाल में बारिश के पानी की निकासी न होने के चलते स्थानीय लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं घर के पानी की निकासी में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा की सांसद निधि और 14वें वित्त आयोग द्वारा धनराशि का प्रावधान करने से आज इस इलाके की तस्वीर बदल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी सांसद निधि के इस्तेमाल से बिलासपुर जिला के बामटा पंचायत स्थित अपर निहाल क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। गौरतलब है कि इस इलाके में बारिश के पानी के साथ ही घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे आए दिन स्थानीय लोगों को बदबू और उससे फैलने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता था। इसे देखते हुए स्थानीय प्रधान सीमा चंदेल ने इस बात की जानकारी राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को दी और उन्होंने तुरंत इस समस्या के समाधान के लिए सांसद निधि से 3 लाख रुपए का प्रावधान किया और साथ ही इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा 3.5 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत पाइपें बिछाकर नाले को पक्का करने का काम किया गया और आज यहां पानी की निकासी का पूरा प्रबंध है। इस कार्य का जायजा लेने के लिए बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने काम की सराहना की। हमारे राज्यसभा के एमपी साहब हैं आदरणीय नड्डा जी, उन्होंने इसमें 3 लाख रुपए देके इसमें पंचायत के माध्यम से इसको चैनलाइज किया गया। तो जैसे यहाँ सारे स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे सारी रेत वेत आ जाती थी और इसमें सिल्टिंग हो जाती थी, जिससे फ्लडिंग का भी खतरा रहता था और पानी के खड़े होने से थोड़ा उनको बीमारियों का भी डर रहता था, क्योंकि ये सारा ओपन था। अब आप जैसे देख रहे हैं तो सारा का सारा अंडरग्राउंड करके इसमें बीच बीच में अगर इसमें चोकिंग हो जाती है तो उसको डी सिल्टिंग के लिए चैम्बर्स बना के एक बड़ा एक मॉडल वर्क इसमें किया है, इसको सारा अंडरग्राउंड करके अब थोड़ा सा चैनलाइज इसको कर दिया हुआ है, निकासी थोड़ी आराम से हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि बाहर से भी थोड़ा देखने में भी एस्थेटिकली भी थोड़ा अच्छा है और इसके ऊपर की जो ज़मीन है वो भी थोड़ा सा उसको हम किसी और कंस्ट्रक्टिव यूज़ में कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि जो बीमारियां हैं, जो पानी खड़ा होने की वजह से बीमारियां, वो नहीं होंगी इसमें। वहीं समस्या के समाधान के लिए स्थानीय जनता और पंचायत प्रधान ने राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। राज्यसभा से जो हमारे पास 3 लाख रुपए आया, उसे हमने इस नाले को चैनलाइज निकाल के उसकी मिट्टी बाहर निकाल के इसको अंडरग्राउंड कर दिया। फिर हमने क्या किया कि थोड़े से घर निकले, बाकी घर फिर दोबारा रह गए। फिर बाद में हमने क्या किया कि इसमें 3.5 लाख 14th FC का डाला। 14th FC का पैसा डाल के हमने इसको जितना भी इनका किचन का पानी था या टॉयलेट्स का पानी था वो अंडरग्राउंड करके हमने छोटे छोटे टैंक बना दिए। नड्डा जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ और सर मोदी जी का भी, जिनके 14th FC का जो पैसा आया हुआ है वो भी हमें भारत सरकार से आया हुआ था, वही लगा था। बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, बारिश होती ही तो नीचे से जाना पड़ता था, अब ऐसा है कि अंडरग्राउंड है पानी तो अब नहीं है इतनी प्रॉब्लम। अब ऐसा है कि बारिश हुई बहुत तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। नड्डा जी का आभार जताएंगे और जिन्होंने हमारी पूरी सुविधा देखी। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।